कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों के साथ आई हूँ, और काफ़ी समय बाद आ रही हूँ, पूरे एक महीने बाद, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। और अभी पता है मैं क्या कर रही हूँ? देखो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। बेसिकली मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आने के बाद शाम को ट्यूशन, ट्यूशन के बाद आप तो जानते ही हो घर में छोटा बच्चा है तो कियान को कितना टाइम देना पड़ता है, पूरी शाम उसके साथ निकल जाती है कुछ 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 करते करते। सो फाइनली आज लगा कि नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक नया वीडियो बना रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में जो बेल वाला बटन आता है उसको भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अभी पहले मैं उसको पढ़ा लूँ, बस उसका होने ही वाला है, इट्स 7:25, 7:25 हो ही रहे हैं, 7:30 ऑलमोस्ट। तो उसको पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आज कुछ स्पेशल भी बनाऊँगी डिनर में। और एक्चुअली मैं और डिनर में कुछ स्पेशल इन द सेंस, ये एक्चुअली रोहन का आइडिया है, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ, जो भी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया और अभी टाइम हो गया है 7:30, अगर आपको दिख रहा होगा तो 7:30 हो गए हैं। और अभी मेरे को डिनर की भी तैयारी करनी है, तो लेट्स मूव। तो देखते हैं उस डिनर में क्या बनाना है, डिनर में मेरे पास क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कुछ स्पेशल ही बनेगा। तो आइए देखते हैं मेरे पास डिनर में क्या क्या है। तो मेरे पास ये ब्रेड है, ये है आपका मोजरेला चीज, पास्ता एंड पिज्जा सॉस, ग्रीन ऑलिव्स। तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ डिनर में। इट्स जस्ट ब्रेड पिज्जा, और इसके लिए अभी मेरे को कैप्सिकम की ज़रूरत है और ओनियन की ज़रूरत है। तो ओनियन तो मेरे पास है और कैप्सिकम रोहन ही अपने सोसाइटी वाले मार्केट में कियान के साथ गए हैं, तो होपफुली लेके आएंगे क्योंकि मैंने बोला था लाने को, और बटर बटर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं तो कुछ कुछ तैयारियाँ कर लेती हूँ, जैसे कि प्याज काट लेती हूँ और चीज़ को ग्रेट कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं बनाते हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू कट द ऑनियन। मेरा प्याज भी फाइनली कट गया, अब मैं इसको क्यूब्स में कट करूंगी। तो फाइनली जैसे कि आपने देखा, मैंने चीज को अच्छे से ग्रेट कर लिया, प्याज को भी काट लिया, और इधर बटर को भी अभी रूम टेम्परेचर के लिए रख दिया है, ब्रेड को भी निकाल दिए, बस मैं वेट कर रही हूँ रोहन के आने का, तो उसके बाद झटपट बनाऊंगी। लेकिन उसके पहले मेरे को एक और बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ये कि कियान तो ये सब खाएगा नहीं, तो मेरे को कियान के लिए थोड़ा सा आटा गूंथना है और उसके लिए दो रोटी बनानी है बस। तो इसको मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, और जैसे ही रोहन आ जाते हैं कैप्सिकम लेके, तो मैं ये ब्रेड पिज्ज़ा कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। चलो ये देखो कौन आया, उसके हाथ में लॉलीपॉप। तुम्हें आबार उनके लॉलीपॉप की नहीं दीजो। He doesn't request my order. He follows his own orders. He is Mr. Vladimir Putin. He never asks. He just goes. So should I call Mr. Narendra Modi sir?
आई थिंक इट्स नॉट निगोशिएबल. कैप्सिकम तो मिला नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज मिली है, वो है कॉर्न, जो कि हमारे ब्रेड पिज्जा में काम आएगा. ये फ्रोजन कॉर्न है, पूरा पैकेट रोहन ने नहीं लिया है, इसको निकलवा के लिया है. बहुत अच्छा था, एक पाव के करीब. सो आप लोग जैसा देख रहे हो, रोहन आज ब्रेड पिज्जा बना रहे हैं. नाउ ही इज अप्लाइंग पिज्जा सॉस, पिज्जा एंड पास्ता सॉस. Again, lots of cheese, and I love cheese. Onion. It's time for corn. चिली फ्लेक्स. मेरे वाले में ज्यादा चिली फ्लेक्स मत देना, तीखा तीखा लगता है. नाउ ओरिगैनो. ये है रोहन शेफ का स्टाइल. यस, टन टन. यस, बाय बाय. अब हम और कियान कुछ मस्ती टाइम, एक्टिविटी टाइम करेंगे. तो ये है कियान का इंटेल किट, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्राई से मंगवाया था. एंड दिस इज द बॉल, और ये है जूनो. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है? ओके, ये है स्टार्स, ये एप्रिसिएशन स्टार्स हैं. अब हम और जूनो कुछ मस्ती करेंगे. हम और Wow. So guys, you can clearly see, both are busy in their work. So, चलते हैं हम लोग अपने किचन की तरफ, जहाँ पे मैंने ब्रेड पिज्जा बनाया है. ओके, ये कुछ दिखा रही है मुझे. ओके, ये आइसक्रीम खा सकते हैं हम लोग. ये कियान खा सकते हैं, ब्लू कलर का आइसक्रीम है. अच्छा, येलो कलर, ब्लूबेरी. इट्स अ मैंगो आइसक्रीम. यो, मैं इनकी एक्टिविटी में शामिल हो गया तो मेरा डिनर पूरा जीरो हो जाएगा. तो मैं अपना डिनर ऑलमोस्ट रेडी कर लूं, उसके बाद मैं उनके साथ मस्ती करूंगा. ओ, थोड़ा सा लगता है ऊपर से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गार्निश करना पड़ेगा. टेस्ट तो अच्छा होने वाला है. Please have it. Yeah. Oh, thank you. ये ना मेरे बड़ी ने बनाया है. बड़ी ने बनाया है मेरे. Run. Put some. Have it. Mommy. हाँ. Yes, thank you. So guys, अभी 9:30 बज रहे हैं. आप लोग मेरे पीछे घड़ी देख रहे होंगे. 9:30 बज रहे हैं और रोहन भी अभी ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है इसलिए. और हमारा भी डिनर हो गया. आप लोगों ने देखा भी मेरा ब्रेड पिज्ज़ा. कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्रेड पिज्ज़ा, प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर. और प्लीज़ घर पे भी बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है. और अभी बस मैं कियान को खिलाऊंगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी. और फिर मैं कोशिश करूंगी, आई एम नॉट श्योर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्द आपके साथ एक दूसरा वीडियो लेकर आऊं. और आज के वीडियो के लिए बाय बाय. और हाँ, अभी वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बस दिखाना चाहती हूँ, जो कि रोहन ने बनाया है.
वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं, बस ये ऐसे मेरा मन किया आप लोगों को दिखाने का, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखो क्या रोहन ने बनाया है, इसको रोहन ने बनाया है, ये इसमें अभी भी कुछ कुछ काम बाकी है। और ये कुछ इस टाइप से दिखता है, सुंदर दिख रहा है ना, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। और दिन में कभी इसको लाइट ऑफ करके भी दिखाऊंगी मैं ये कैसा दिखता है। सो इसके लिए भी प्लीज एक लाइक तो बनता है आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।